अजय जी, अभी हम इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक गिरोह है जिसमें एक हमारा सर्विंग इंस्पेक्टर है पीएपी का, उसके साथ में एक वाटर कैरियर है और एक हमारा डिस्मिस मुलाजिम है, उसके साथ में पांच लोग प्राइवेट लोग हैं जो मिलके और कुछ लोगों को अलग अलग बहाने से, जैसे पुराने टायर बेचने के, एमईएस के पुराने टायर बेचने के नाम पे और या पुराना लोहा सरिया बेचने के नाम पे, ख़ासतौर पे जो अभी तक प्रिलिमिनरी हमें पता लगा है कि जेंड के बंदों को इधर ला के पठानकोट में और माधोपुर साइड में उनको फिर पहले साइट दिखाने के नाम पे अपनी गाड़ियों में बिठा लेते थे, और फिर ये जो दूसरी पार्टी है जिसमें कुछ डिसमिस्ड और सर्विंग पुलिस मैन हैं, वो लोग उन पे रेड पार्टी के रूप में उन पे रेड करते और उनको फिर कि चोरी के टायर बेच रहे हो या इस तरीके की चीज़ें कि तुम्हारे पास में तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा देंगे, और इस तरीके से करके उनके पास से जो पैसे वो छीन लेते थे मारपिटाई करके और इस तरीके से। तो ये हमारे नोटिस में पिछले लगभग एक हफ्ते से ये बात है, और हमारी टीम इंस्पेक्टर देविंदर और हमारे टेक्निकल सेल और सीआई की टीम, एसएचओ सुजानपुर के एरिया में भी एक वारदात हुई थी, तो वो सारी टीमों को हमने लगा रखा था, तो काफ़ी क्लोजली हम इनको फॉलो कर रहे थे। आज हमने इनमें से 6 आदमी और एक इनोवा कार अभी रिसेंटली राउंड अप की है, तो अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल के अंदर, और इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग फरार हो गए एक i20 कार के साथ में दो लोग, तो उनको भी हम जल्द राउंड अप कर लेंगे। अब तक सर कितनी वारदातों को अंजाम दिया है? प्रिलिमरी जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने जो वारदात आई हैं, वो अभी तक इन्होंने लगभग 4 वारदातें अटैम्प्ट और जो पूरी वारदातें की है वो कबूल करी है, बट अभी हम और इसको तफसील से करेंगे तो मुझे लगता है और भी कई वारदातें इसमें सामने आ सकती हैं। ऑपरेशन कैसे सर, ये हमने देखा कि गाड़ी का शीशा भी जो है वो टूटा हुआ है, कैसे किस तरह से किया पुलिस ने? हाँ, हमारी टीम, इनको मैंने बताया आपको कि काफ़ी टाइम से इनको चेज कर रही थी, और जैसे इनको जैसे पता लगा कि ये इस एरिया के अंदर ये मूव कर रहे हैं और किसी नए शिकार को फंसाने के चक्कर में हैं, कल भी इन्होंने जलंधर के अंदर एक पार्टी के साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश की और जो हमारे टच में था और वो फिर वो उस वजह से वो बच गया, बट हम इनको कल काबू नहीं कर पाए। तो उसी सिलसिले में आज भी हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी, जब इन्होंने गाड़ी भगाने की और शीशा नहीं खोलने की कोशिश करी तो फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब को इनको चोट भी आई, इन्होंने जो है उसको फोर्सफुली ग्लास तोड़ के फिर इनको काबू किया है। कौन सी जगह सर अरेस्ट किया गया? ये हम सारे डिटेल्स जो हैं, इनके नाम सारे डिटेल्स और वो सारा जो है हम थोड़ी देर में आपको डिटेल देंगे। थैंक यू।